जनपद संभल के चंदोसी में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून संसद से पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए संसाधनों को देखते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन विगत 7 वर्षों से देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी मांग को लेकर जनपद संभल के चंदोसी तहसील मुख्यालय पर प्रधानमंत्री जी के नाम जिला संरक्षक सुधीर मल्होत्रा के नेतृत्व में नायब तहसीलदार निश्चय कुमार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर टीएस पॉल ने बताया कि हम सभी जानते हैं कि मानव अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा बढ़ती हुई जनसंख्या से है, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बेरोजगारी, एक्सीडेंट आदि समस्याओं से हमें दोचार होना पड़ता है। 9 अगस्त 2018 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति से संस्था एवं सांसदों के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने भेंट करके उन्हें कानून की मांग के समर्थन में 125 सांसदों द्वारा हस्ताक्षर युक्त संस्था का मांग पत्र सौंपकर सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया आरंभ करने का अनुरोध भी किया था। जिला सचिव डॉक्टर हरीश कटेरिया ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत सरकार द्वारा शीघ्र लागू नहीं किया गया तो देश के अंदर गृह युद्ध के हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार से आग्रह है कि देश के अंदर सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। जो व्यक्ति तीसरे बच्चे की ओर जाए उसकी सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो तथा चौथे बच्चे की उत्पत्ति होने पर पति पत्नी को 10 वर्ष का आजीवन कारावास हो तथा वोट डालने का अधिकार समाप्त हो। को लेके आज आपको ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा मामला? इसमें इनके द्वारा आपके द्वारा मांग है इस फाउंडेशन के माध्यम से कि जिस तरीके से जनसंख्या का तेजी से बढ़ती हो रही है, उससे जो हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों का सुनियोजित प्रबंधन किस तरीके से किया जाए या किस तरीके से होना चाहिए, उसके संबंध का ज्ञापन है। इस ज्ञापन को मेरे द्वारा प्राप्त किया गया और मेरे द्वारा उचित माध्यम शासन को। थैंक यू सर। सर ने ज्ञापन दिया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, क्या कहेंगे इसमें? ये संसाधन मानो जैसे भारत के भविष्य को तय करने वाला है। आज हम एक बहुत विस्फोटक जनसंख्या के कगार पर खड़े हैं। लगभग 130 करोड़ एक अनुमानित जनसंख्या हमारे देश की है। ना तो जमीन का रकबा बढ़ रहा है, भोजन की सामग्री, खाद्य सामग्री निश्चित मात्रा में उत्पन्न हो रही है। इसलिए आने वाले समय में अगर 2 बच्चों का कानून अगर इस देश में लागू होता है तो आने वाले दिन थोड़े से सुखद रहेंगे। नहीं तो अगर इसी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में न केवल खनिज पदार्थ और उस पर आवागमन के लिए जितने भी माध्यम है वह भी बोने साबित होंगे। आज हमें इस परिकल्पना पे सोचना होगा, तभी कल बेहतर भारत होगा।